ये कहानी है दो दोस्तों की जो कि एक छोटे से गांव में रहते थे। एक बार वो दोनों किसी काम से शहर गए और वापस अपने गांव लौट रहे थे। उनके गांव तक पहुंचने के लिए उनको एक घने जंगल से होकर के गुजरना था, और जब वो उस जंगल से गुजर रहे थे तो एक दोस्त को प्यास लगी और वो पानी ढूंढने के लिए रास्ता भटक गए। थोड़ी ही देर बाद शाम हो गई और रात होने ही वाली थी, तो उन दोनों की नज़र एक गुफा पे पड़ी जो कि पेड़ों से घिरी हुई थी चारों तरफ से। तो उन्होंने सोचा कि यही जगह ठीक है रात बिताने के लिए। तो दोनों ने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करी, उस गुफा के अंदर गए और आग जला करके वहाँ पे बैठ गए। रात का वक्त था, गुफा के अंदर आग जल रही थी, बाहर बिल्कुल अंधेरा था और कुछ जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। तो उन दोनों में से जो एक दोस्त था वो अंदर ही अंदर डरने लगा, क्योंकि उसने भूत प्रेतों की बहुत कहानियाँ सुनी थी कि रात के वक्त जंगल में कुछ भयानक आत्माएं भटकती हैं, और अगर उनको कोई ऐसा भटका हुआ आदमी मिल जाए तो उसको नहीं छोड़ती। तो जब उसने भूत प्रेतों की बात अपने दोस्त से करी तो उसके दोस्त ने हंसते हुए उससे पूछा, क्या कभी तूने किसी भूत को देखा है? तो उसने कहा, नहीं मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं जिन्होंने देखा है। तो उसके दोस्त ने उसको समझाने की बहुत कोशिश करी कि यार ऐसी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, अब तू सो जा और मुझे भी सोने दे, मुझे नींद आ रही है। और इतना कह करके उसका दोस्त वहीं पर लेट गया और थोड़ी देर में सो गया। लेकिन वो जो अंदर से डरा हुआ था वो लेट तो गया, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। उसको लग रहा था कि शायद यहाँ पर कहीं कोई है जो छुप करके कहीं से उसको देख रहा है। उस आग की वजह से कुछ परछाइयां बन रही थी वहां पर पत्थरों पर, तो उन परछाइयों को देख करके भी वो डर रहा था। फिर कुछ घंटे तक ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद में क्योंकि वो थका हुआ था तो उसको नींद आ गई। लेकिन नींद आने के कुछ देर बाद ही उसको एक सपना आया। सपने में उसको एक बहुत ही भयानक परछाई उसकी तरफ बढ़ती हुई नजर आई। अब जैसे जैसे वो अंदर से डरता चला जा रहा था, वो परछाई उसके और पास आती चली जा रही थी और बड़ी होती चली जा रही थी। और उस परछाई में एक हाथ उसको नजर आया जिसके बड़े बड़े नाखून थे, और वो हाथ उसकी तरफ बढ़ता चला गया और उसके गले तक पहुंचने ही वाला था कि तभी वो डर करके एकदम से उठा। फिर उसने अपने दोस्त की तरफ देखा जो कि सो रहा था, उसको पकड़ करके जोर से उठाया। फिर उसने अपने दोस्त को बताया कि उसके साथ में क्या हुआ। तो उसका दोस्त फिर हंसने लगा। फिर उसके दोस्त ने उसको कहा, अब अगर दोबारा से तुझे वो परछाई दिखे तो तू वही कहियो जो मैं तुझे कह रहा हूं कहने के लिए, फिर देखते हैं वो परछाई तेरा क्या करती है। तुझे अपने अंदर ही अंदर बोलना है, मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ। तो उसके दोस्त ने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद दोबारा से उसको सपने में वही परछाई नजर आई, और वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन इस बार वो उस परछाई से डरा नहीं, बल्कि अपनी पूरी हिम्मत जुटा करके उसने वही कहा, मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ। मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ। मैं तुझसे नहीं डरता, सामने आ। जैसे जैसे वो ये बोलने लगा, वो परछाई छोटी होने लगी और उससे दूर होने लगी। वो बोलता रहा, वो परछाई छोटी होती रही, और धीरे धीरे वो परछाई दिखनी बंद हो गई। बिल्कुल ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। हमारे अंदर जितने भी डर हैं, उससे हम जितना डरते हैं हम उतना ही छोटे होते चले जाते हैं, और वो डर उतने ही बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने अंदर के डरों से नहीं डरते हैं और उसका सामना करते हैं, तो दुनिया का ऐसा कोई भी डर नहीं है जो कि हमें डरा पाए।